बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी व्यूवर्स, आज के इस लेक्चर्स में आज हमने वर्डप्रेस की एक्सरसाइज नंबर 1 बैच 6 की, जो डिजी स्किल्स की जो वर्डप्रेस का कोर्स है, उसी एक्सरसाइज नंबर 1 का आज सोल्यूशन को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये लेक्चर जो है वो स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन के ऊपर इसे प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली हर वीडियो उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। इस तरीके से आपको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको फ्रीलांसिंग की एक्सरसाइज नंबर 1 का सोल्यूशन मिल जाएगा। तो इसकी आपके पास जो है आज वर्डप्रेस की एक्सरसाइज नंबर 1 का सोल्यूशन है, तो इसको लाजमी इसको फॉलो करिएगा। ओके, यहाँ पे आपके पास जो है आपको क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन फाइल्स के अंदर, असाइनमेंट्स की फाइल के अंदर, जो आपके पास टोटल 3 टास्क आपको गिवन दिए गए हैं। टास्क नंबर 1 में हमारे पास जो है रजिस्टर एन अकाउंट ऑन अ वेब होस्टिंग प्लेटफॉर्म, के आपको जो है वेब होस्टिंग प्लेटफॉर्म पे आपको अकाउंट रजिस्टर करना होगा, वेदर इट्स फ्री और पेड सर्विस, जहाँ आपको फ्री या पेड सर्विसेज मिल रही हों, या इसके अलावा आप जो है अल्टरनेटिवली आप अपना सर्वर खुद से भी जो है वो बना सकते हैं, वैम या फ्लाईव्हील, जिस फ्लाईव्हील से जिसपे आप कहते हैं लोकल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट आप क्रिएट कर सकते हैं, जो कि आपको टॉपिक नंबर 7 के अंदर आपको जो है फर्स्ट वीक में चीज़ें समझाई गई थी। अभी जो है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके आपने इसको जो है स्क्रीनशॉट यहाँ पे पेस्ट करना होगा। ये हमारा है टास्क नंबर 1। देन उसके बाद टास्क नंबर 2 है इंस्टॉल वर्डप्रेस, के वर्डप्रेस को आपने इंस्टॉल करना होगा अपने सिस्टम के अंदर। देन उसके बाद टास्क नंबर 3 में हमारे पास एक थीम्स होगी, एस्ट्रा थीम। इस थीम्स को हमने क्या करना होगा, इसकी जो है उसको इंस्टॉल करना होगा, उसकी सारी प्रोसेसिंग की हमें स्क्रीनशॉट्स देनी होगी। तो ये टोटल हमारे पास 3 टास्क हैं जिसको हमने आज फॉलो करना है एक्सरसाइज नंबर 1 के अंदर। तो चलें अब इसको फौरन से हम इसको जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम चलते हैं अपने ब्राउज़र में और यहाँ पे हम अपनी सर्च करेंगे वर्डप्रेस का, क्योंकि हमने सबसे पहले तो हमें वर्डप्रेस हमने इसकी डाउनलोड करनी है, जो कि हमें इसकी बहुत ज़रूरत है डाउनलोड करने की। अगर डाउनलोड करेंगे तभी हम इस चीज़ को जो है वो काम कर पाएंगे। तो हमने क्या करना है, आपने जैसे यहाँ पे लिखने के बाद आपने यहाँ पे आना है वर्डप्रेस 6.4.4, इस पर आपने क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपने इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि डाउनलोड यहीं से करके ही हमने इसके सारे चीज़ें जो है वो स्टार्ट करनी है। ओके, जब आपको ये चीज़ स्टार्ट हो जाए तो आपने क्या करना है, हमें आपने एक जो है वो सॉफ्टवेयर आपके पास यहाँ पे आपको डाउनलोड हो जाएगा। यस, ये हमारे पास जो है वो डाउनलोड हो चुका है, वर्डप्रेस हमारे पास डाउनलोड हो चुका है। ओके, टास्क नंबर 1 पे अब चलते हैं। वो कहते हैं कि जैम नाम का एक सॉफ्टवेयर है, या वैम या फ्लाईव्हील, तीनों में से आप कोई भी आपने इसको इंस्टॉल करके इंस्टॉलेशन करनी है, डाउनलोड करके इसकी इंस्टॉलेशन करनी है। तो मैंने डाउनलोड कर दिया है ये जैम के नाम से, तो इस सॉफ्टवेयर को आपने अब इंस्टॉलेशन करनी है। तो इसमें हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक ये इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा। यस, इस पर करने के बाद नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे बस एक और इंस्टॉलेशन का प्रोसेस का जो है बॉक्स ओपन होके आ जाएगा। यस, यहाँ से अब इसकी हमने इंस्टॉलेशन स्टार्ट करनी है। तो यहाँ से इस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट लें, और इसको हम चाहेंगे वहाँ पे अपने फाइल के अंदर जाएं तो टास्क नंबर 1 में यहाँ पे नीचे आप इसका स्क्रीनशॉट पेस्ट कर दें। ओके, देन उसके बाद आपने इसकी जो है सॉफ्टवेयर पे इसकी इंस्टॉलेशन पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करें, देन उसके बाद आपने इसकी इंस्टॉलेशन पे आना है यहाँ पे, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लें और इसको भी आप यहाँ पे जाके पेस्ट कर दें। और इसको भी आप वहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर दें नीचे, यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। ओके, यहाँ पे हम इसको इस चीज़ को भी पेस्ट कर दें। देन उसके बाद हम जाएंगे अपनी फाइल में यहाँ पे, इसमें अब आपने नेक्स्ट पेज पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसके नेक्स्ट पे क्लिक करें तो आपसे बस ये चीज़ मांग रहा है, देन इसे आप यहाँ से इसका स्क्रीन शॉट ले लें। इसमें स्क्रीन शॉट लेने के बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर इस पर यहाँ पे क्लिक करना है,
यहाँ पे फिर आप इसके स्क्रीनशॉट देंगे और इसको यहाँ पे स्क्रीनशॉट देंगे और एंटर का बटन प्रेस करें। फिर आप अपने इसके नीचे यहाँ पे आपने इसको स्क्रीनशॉट एंटर का बटन नेक्स्ट का दबाएंगे। करने के बाद हमने यहाँ पे इस तरीके से ही आपका जो है वो अपने सारे इसके इंस्टॉलेशंस को कंप्लीट करना है। तो इस तरीके से आप इस करते जाएंगे, आपने इसके सारे इंस्टॉलेशंस को इसको कंप्लीट आउट कीजिएगा। देन उसके बाद आपने जब आपकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाए, फिर आपने इसे नेक्स्ट पे करते जाएंगे, आपके इंस्टॉलेशंस के जो है वो प्रॉपर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और जब ये हो जाए तब आपने क्या करना है कि इसको जो है वो इसको स्टार्ट करना है। अब इसमें उन्होंने कहा था कि आपका इसकी जो है उसको डाउनलोड करके इसको इंस्टॉलेशंस करनी है। इस सॉफ्टवेयर को हमने डाउनलोड कर लिया, डाउनलोड करने के बाद आपने क्या करना है, इसकी जो इंस्टॉलेशंस हो गई, इंस्टॉलेशन के बाद एक और हमारे पास स्टेप आता है, उसको आपने यहाँ पे इस चीज़ को सर्च करना है और यहाँ पे आपने जैम के नाम से इसको सर्च करना है। सर्च बार में आपने लिखना है XEMP, तो इस चीज़ को यहाँ पे आपने इसको सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपके पास ये ही पॉपअप मेन्यूज आपके पास आ जाएगा। यस, ये जो आपके पास पैनल आ गया जिसमें ये हमारे पास जैम जो है इंस्टॉलेशंस की, तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो यहीं से अब आपने इसको स्क्रीनशॉट ले लें, यहीं से अब आपने क्या करना है इसी चीज़ को अब अपना स्क्रीनशॉट ले लें। एक यहाँ से इसको स्क्रीनशॉट लेंगे, देन उसके बाद यहाँ पे आपने नीचे अब इसको पेस्ट कर देंगे, यहाँ से आपने इसको नीचे पेस्ट आउट कर देना है। देन उसके बाद हमने इस जो है सॉफ्टवेयर को आपने इंस्टॉल करना है, मीन्स के यहाँ पे आपको दो बटन नज़र आ रहे हैं, इन दो बटन्स पे आपने इसे क्लिक करना है। ये करने के बाद यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट इसको अगेन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, देन उसके बाद आप नीचे जाके आप यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें असाइनमेंट फाइल के अंदर। तो ये हमारा टास्क नंबर वन जो है वो पूरा कंप्लीट होता है। देन उसके बाद हमने इसके नीचे हमने थोड़ी सी इसकी मिस्टेक्स हो गई हैं, अब इसको सी कर लेते हैं। यहाँ पे हमें नहीं चाहिए था, ज़रा इसकी हम इसकी सेटिंग कर लेते हैं, देन उसके बाद हम यहाँ पे इसको सेटअप बनाएंगे। यहाँ पे हमारे पास ये सेटअप बन गया, एक भी पिक्चर्स हैं, देन उसके बाद ये पिक्चर्स, और इसके बाद हम नीचे यहाँ पे हमें जो लास्ट हमने बनाई है उसकी हमने पिक्चर्स देनी होगी। यस, ये हमारा कंप्लीट हो गया असाइनमेंट्स नंबर वन का सेटअप्स। ठीक है, इसी के नीचे यहाँ पे हम अगेन यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं, तो ये हमारा बन गया असाइनमेंट नंबर वन का, टास्क नंबर वन का सेटअप कंप्लीट। देन उसके बाद जो है टास्क नंबर टू, आपने जो है वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। तो इसके लिए इंस्टॉलेशन के लिए हम अपने जाएंगे यहाँ पे इसको सॉफ्टवेयर जो हम आपका वर्डप्रेस हमें ये नज़र आ रहा है, तो यहाँ जो डाउनलोड किया यहाँ से इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने आना है अपने सी ड्राइव के अंदर, और सी ड्राइव के अंदर यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा आपको एक सॉफ्टवेयर है, मतलब सॉफ्टवेयर नहीं, यहाँ पे हमारे पास सी ड्राइव के अंदर ना आपके पास जो है वो आपके पास ये जैम के नाम से फोल्डर नज़र आ रहा है, यहाँ पे अपने से क्लिक करना है। देन उसके बाद एसटी डॉक्स में आपने क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है डीजी स्किन के नाम से, तो यहाँ पे आप इसको जो है वर्डप्रेस को पेस्ट कर दें। यहाँ पे आपने अब वर्डप्रेस को जो है वो इसको अपने जो विन फाइल है इसको आपने एक्सट्रैक्ट करना है। यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हियर पे इसे क्लिक आउट कीजिए, क्लिक आउट करने के बाद आपने इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है जिससे पूरी प्रोग्रेस कंप्लीट हो जाए। देन उसके बाद हमने इसकी इंस्टॉलेशंस करते हैं, तो इंस्टॉलेशन के लिए आपको पास जो है वैम का इंस्टॉल होना लाजमी है। इंस्टॉलेशन होगी, स्टार्ट किया हुआ होगा, तभी हम अपने वर्डप्रेस की जो है वो इंस्टॉलेशंस कर पाएंगे। इसके बाद आपने ये करने के बाद अब हमारे पास ये कंप्लीट हो जाए, देन उसके बाद जो है हम इसकी प्रॉपरली वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशंस करते हैं। जी बस, ये हमारी जो है इंस्टॉलेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसको करने के बाद आपने अपने ब्राउजर्स में आना है, और ब्राउजर्स में आने के बाद इस यूआरएल में आपने यहाँ पे सर्च करना है लोकल होस्ट, आपने सर्च करना है। करने के बाद यस, ये इस तरीके से हमारे पास जो है वो पेज हमारे पास ओपन होके आ जाएगा। हमने एक फोल्डर बनाया था डिजिस्किल्स के नाम से, एक फोल्डर बनाया है, तो इसी के अंदर यहाँ पे हमने पास जो है वो उसे क्लिक करना है। तो यहीं से हम इसको अब ओपन करते हैं।
हमने एक फोल्डर बनाया था डिजिस्केल वर्डप्रेस के नाम से, तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास जो है यहाँ पे हमारे पास जो अब नजर आ गया, हमने अपना फोल्डर रखा था वर्डप्रेस के नाम से। तो अब इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये में हमारा मेन पॉइंट है जहाँ से वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन अब स्टार्ट होगी। यस, यहाँ से हमारे वर्डप्रेस की अब इंस्टॉलेशन स्टार्ट होगी। तो यहाँ से आपने इसे एक स्क्रीनशॉट यहाँ से आपने ले लेना है और यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना है और इसको यहाँ पे अब इसको जाके असाइनमेंट फाइल के अंदर इसको हम पेस्ट आउट करेंगे। ओके, यहाँ से हम इसकी पेस्ट आउट करते हैं। ओके, यहाँ पे जाएंगे टास्क नंबर 2 में और यहाँ पे उसका स्क्रीनशॉट पेस्ट आउट करेंगे। देन उसके बाद अगेन जाएंगे और यहाँ पे अगेन एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं जो कि हमारे पास उस टाइम थोड़ा सा हमें सही नज़र नहीं आ रहा था। तो यहाँ से अगेन स्क्रीनशॉट लेंगे और जाके यहाँ पे हम इसको नीचे अब इसको पेस्ट आउट कर देते हैं। ओके, ये हमारे पास ये हो गया इस इंस्टॉलेशन का। अब यहाँ से आपने इंग्लिश को सिलेक्ट करना है और कंटिन्यू पे से क्लिक आउट करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास ये पेज आ गया, इसको आपने आगे इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लेनी है। यस, यहाँ से इसको स्क्रीनशॉट लेते हैं और वहाँ पे जाके आप इसको पेस्ट आउट कर दीजिए। यहाँ पे इसको पेस्ट आउट करेंगे। ओके, यहाँ से अब हमें इसकी जो है वो डेटाबेस को हमने सारा सेटअप बनाना है। लेट्स गो पे अब इसको क्लिक करें। वो कहते हैं यहाँ पे डेटाबेस का आप नेम दें, तो डेटाबेस हमने बनानी है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट यहाँ पे जाके अपने यहाँ पे लिखेंगे लोकल होस्ट और यहाँ से स्लैश करके लोकल होस्ट के बाद यहाँ पे अपने स्लैश लगानी है और यहाँ पे आप लिखेंगे PHP माई एडमिन। ओके, माई एडमिन, ठीक है, ये आपने पेस्ट कर देना है। टाइप करके इसे एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ से आपके पास जो है आपका डेटाबेस का पेज जो है वो ओपन होने वाला है। तो यहाँ से हम इस चीज़ को अपना प्रॉपरली हम अपना काम करेंगे। तो ये देखें, यस, ये हमारा जो है एडमिन का पेज ओपन होके आ गया। ये हमारा होता है PHP का पेज जहाँ से हमने डेटाबेस बनानी होती है। तो यहाँ पे आप डेटाबेस क्लिक करेंगे और यहाँ से हम अपनी एक डेटाबेस बनाएंगे और डेटाबेस का हम यहाँ पे नाम रखेंगे एक्सरसाइज 1। एक्सरसाइज हम इस डेटाबेस का हम नाम दे देते हैं और यहाँ पे अब आपने क्या करना है, इसको आपने क्रिएट कर देना है। तो ये आपकी जो है वो डेटाबेस आपकी क्रिएट हो चुकी है और यहाँ पे आप उस डेटाबेस को यहाँ पे आके उसे नेम पुट करते हैं। देन उसके बाद आपने लगाएंगे यूजर नेम। हम इस टाइम कोई यूजर नेम और पासवर्ड हम नहीं लिखेंगे, फिलहाल इसको छोड़ देंगे। और उसके बाद यहाँ पे अब आपने क्या करना है, यूजर नेम आप रख दें, चलें हम यूजर नेम यहाँ पे आपने एडमिन रख देना है और पासवर्ड इसको छोड़ दें। और डेटाबेस हमने क्या है, हमारे जो डेटाबेस होस्ट है वो हमारे पास है लोकल होस्ट है, तो आपने यही चीज़ लिखनी है और इसको अपने चीज़ को नहीं छेड़ना। उसके बाद आपने अपने आना है सबमिट के बटन पे, ऊपर से क्लिक कीजिएगा। यस करने के बाद आपके पता ही एरर, जिसके पास ये तो प्रॉपरली जो काम कर रहे होंगे उनका परफेक्टली रन कर जाएगा। अगर किसी के यहाँ पे कोई एरर आता है तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास ये होता है कि हमने अपने जाना है अपने डेटाबेस में और यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं जिसकी मदद से हम काम कर सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद आपने आपने क्या करना है, यहाँ पे हम अपने जो हमने डेटाबेस बनाई, डेटाबेस के साथ आपने जाना है प्रिविलेजेस में और प्रिविलेजेस में यहाँ पे आपने क्या करना है, ऐड यूजर अकाउंट पे जाएं और यहाँ पे कुछ इसकी सेटअप करनी है। यूजर नेम हम इसका रखते हैं एडमिन और उसके बाद यहाँ पे होस्ट नेम हमारे पास क्या था, हमारे पास जो है होस्ट नेम हमारे पास जो है वो लोकल होस्ट है। ओके, यहाँ से हम रखेंगे लोकल होस्ट। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे हम इसका पासवर्ड कोई राइट अप करेंगे, जिससे हम कोई भी रख देते हैं। सपोज हम ये अपना एक पासवर्ड जो आप यहाँ पर पासवर्ड लगाएंगे, यहाँ पे आपने इसका पासवर्ड एंटर करना है। देन उसके बाद यहाँ पे इसका पासवर्ड अगेन हम इसको प्रिंट करेंगे पासवर्ड को। ओके, देन उसके बाद आपने नीचे यहाँ पे आना है और यहाँ पे चेक ऑल पे क्लिक करें। चेक कॉल पे करने के बाद आपने नीचे जाना है, नीचे जाने के बाद हम इसे गो पे क्लिक आउट कर देंगे। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि ऑलरेडी एडमिन आपका ऑलरेडी एग्जिस्ट है, चलिए इसको हम ज़रा चेंज कर लेते हैं और यहाँ पे हम इसे कोई भी नाम रख लेंगे। तो यहाँ पे मैं इसलिए काम कर रहा हूँ कि मुझे वो एरर दे रहा था, तो आपका अगर बिल्कुल आपका परफेक्ट रन करेगा तो इसमें यहाँ पे आपको करने की ज़रूरत नहीं होगी। देन उसके बाद यहाँ पे जाएंगे और इसको हम सेटअप कंप्लीट कर लेते हैं, देन हम उसके बाद नेक्स्ट मूव करेंगे।
ठीक है, इस करने के बाद हमारे पास ये कम्प्लीटली ओके हो जाएगा। ठीक है, जब हमारे पास ये चीज़ें बन गई, दैन अब हमने क्या करना है कि वहाँ पे हम जाएंगे अपने इस पेज के ऊपर और ट्राई अगेन पे हम इसे क्लिक आउट करेंगे और ऑप्शन नंबर डेटाबेस का हम नाम देंगे। हमारे पास जो है यूज़र नेम हमने रखा है, तो हमने यहाँ पे अपना यूज़र नेम लिखेंगे और उसके बाद जो हमने पासवर्ड यहाँ पे अपना लगाया है वो उसको यहाँ पे हम पासवर्ड को राइटअप करेंगे। देन उसके बाद हम कर देते हैं सबमिट के बटन के ऊपर इसे क्लिक, येस। ये देखें अब परफेक्टली इसका ओके हो गया। तो यहाँ से अब हमने इसकी स्क्रीनशॉट इसको यहाँ से भी लेंगे और यहाँ पे इसको हम पेस्ट कर देंगे। ओके, करने के बाद आपने पहले वाले पीछे वाले पेज की भी आपने स्क्रीनशॉट डालना है और इसके यहाँ से भी आप इसका स्क्रीनशॉट आप डालेंगे। देन उसके बाद जो हम यहाँ पे हमने यहाँ से इसको सेटअप किया है तो यहाँ से भी हम इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको यहाँ पे इसके स्क्रीनशॉट को वहाँ पे इसको हम पेस्ट आउट करेंगे। तो इसके लिए हम इसको यहाँ से कॉपी किया और वहाँ पे जाके अब इससे पहले हमें इससे पहले हम इसको पेस्ट करना है तो यहाँ पे हम इससे पहले इसको पेस्ट आउट कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या बन गया, इंस्टॉलेशन का हमने सेटअप का हमने पिक्चर्स डाल दी। तो अब यहाँ से अब आपने क्या करना है कि रन द इंस्टॉलेशन पे आपने क्लिक करना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप ये देखें ये आपके पास जो है वो पेज आ जाएगा आपके इंस्टॉलेशन का, वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन का। तो यहाँ से भी आप इसका स्क्रीनशॉट लें और स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम इसको यहाँ पे इसको वहाँ जाके इसको अपने पेस्ट आउट करना है। ओके, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे इसके नीचे ही यहाँ पे आपने इसको पेस्ट आउट करना है। इसके बाद अब आपने जाना है नेक्स्ट पेज पे, यहाँ पे अपने साइट का टाइटल देना है। मैं अपना टाइटल देता हूँ न्यूज़ ब्लॉगिंग पे और यूज़र नेम आपने कुछ भी नहीं देना और पासवर्ड जो आप यहाँ पे इसको फिलहाल आपको छोड़ दें, कोई भी नई चीज़ करनी। और यहाँ पे अपने ईमेल्स यहाँ पे इसको राइटअप कीजिएगा। देन उसके बाद आपने इंस्टॉल वर्डप्रेस पे अपने इसको क्लिक करना है। तो यहाँ से आपकी जो है वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन जो है वो इसकी स्टार्ट होगी। अब स्क्रीनशॉट को यहाँ पे जाके हम इसको पेस्ट करेंगे। नीचे यहाँ पे आपने इसको स्क्रीनशॉट को पेस्ट आउट कर देना है। देन उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे आपने क्लिक करना है इंस्टॉल वर्डप्रेस पे। जैसे हमने इसके ऊपर क्लिक किया तो वो कहते हैं यूज़र नेम आप यहाँ पे दें, यस हम चलें यूज़र नेम दे देते हैं एडमिन, एडमिन दे दें तो आपको बेटर है, जो हमने पहले दिया है वो भी हम इसको दे सकते हैं। तो इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो ओके, अब यहाँ पे हमारी जो है इंस्टॉलेशन जो है वो स्टार्ट हो रही है। तो ये देखिए आपको जो है वो लोड हो रहा है, इससे हमारी जो है वो इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो रही हैं। तो ये देखिए हमारी इस तरीके से जो हमारी जो है वो इंस्टॉलेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पे हमें सक्सेस का मैसेजेस आ गया। ओके, यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेंगे और इससे बनने के बाद हमने नेक्स्ट जाएंगे अपने यहाँ पे इसको स्क्रीनशॉट पेस्ट करेंगे। करने के बाद हमने क्या करना है, इस पे अब लॉगिन पे जाना है। तो लॉगिन पे जब जाएंगे तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास जो है वो लॉगिन का पेज हमारे पास आ गया वर्डप्रेस का। तो यहाँ से भी इसको कॉपी कर लें और इसके करने के बाद हम जाएंगे नेक्स्ट, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। ओके, यहाँ से अब आपने लॉगिन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे करने के बाद हमारे पास डैशबोर्ड पे ले आएगा, यस ये देखें हमारे पास ये है वर्डप्रेस का ये पेज आ चुका है। तो ये हमारे पास जो है वर्डप्रेस का हमारे पास पेज आ गया। तो ये आपका डैशबोर्ड है वर्डप्रेस की। तो हमारी अब जो है वर्डप्रेस की पूरी इंस्टॉलेशन जो है कम्प्लीटली तौर से और पूरी हो चुकी है। ओके, अब हम चलते हैं, हमारा जो है कि ये टास्क नंबर टू हमारा जो है वो अब कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम जाएंगे टास्क नंबर थ्री में, हमने एक्स्ट्रा जो थीम्स है इसको हमने एक्टिवेट करना है और इंस्टॉल करने हैं। इसके लिए अब आपने जाना है आपने अपने इसकी वर्डप्रेस की इस पेज के ऊपर, ये हमारा वर्डप्रेस का पेज है और यहाँ पे हमने क्या करना है कि यहाँ से अपना काम स्टार्ट करेंगे। तो आपने क्या करना है, एस्ट्रा थीम को इंस्टॉल करना है। तो आपने जाना है यहाँ पे अपेयरेंसेस में और यहाँ पे आपने क्लिक करना है थीम्स के ऊपर। तो ये देखें करने के बाद आपके पास ये पेज आ जाएगा। तो यहाँ से आपने इस पूरे का अगेन आप स्क्रीनशॉट लें और मैं यहाँ से स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ। और करने के बाद यहाँ पे आपने नीचे जाना है और यहाँ पे टास्क नंबर थ्री में इसको आपने पेस्ट कर दें। ओके, करने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने सर्च करना है एस्ट्रा, यस ये यहाँ पे आपने एस्ट्रा सर्च करना है। जैसे ही मैंने एस्ट्रा सर्च किया, चले एड न्यू पे जाएं, यहाँ पे क्लिक करना है। ओके, यहाँ पे आने के बाद आपने लिखना है एस्ट्रा। जैसे करेंगे तो हम इससे पहले इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ओके, यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें
और करने के बाद नीचे यहाँ पे अब इसको पेस्ट आउट कर दें। करने के बाद यस यस भी कर दिया। और अब आप देखें जैसे बैक जाएंगे तो ये आपके पास ये जो थीम्स आपके पास नज़र आ रही है ये एक्स्ट्रा थीम है, तो इसी थीम्स पे अब आपने इसको इंस्टॉल पे अपने क्लिक करना है। ये एक्स्ट्रा आपको नज़र आ रहा है, ये थीम्स है, इस पे इंस्टॉल पे क्लिक करें तो ये हमारी जो है वो इंस्टॉलेशंस हो रही है एक्स्ट्रा थीम की। तो यहाँ से इसका हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और करने के बाद यहाँ पे हम नीचे इसको पेस्ट कर देंगे एक्स्ट्रा थीम्स का। ठीक है, तो व्यूअर्स ये आप देखें यहाँ पे हमारी जो है वो इंस्टॉलेशंस हो रही है। तो ये आपके पास डिफरेंट और भी थीम्स आपको नज़र आ रही हैं। तो यस ये देखिए हमारी जो है वो थीम्स सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो चुकी है। तो इसको हम अगेन कॉपी करते हैं, करने के बाद हम चाहेंगे यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं ताकि हमारे पास जो है वो विजिबल रहे। इस पर किया और स्किप करने के बाद आपने एक्टिवेट पे इसे क्लिक कर दें। तो जैसे ही एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे तो हमारे जो है वो थीम्स जो है एस्ट्रा थीम हमारी सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है। तो ये देखिए हमारे एस्ट्रा थीम्स जो है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो चुकी है। तो ये हमारी जो रह गई है एस्ट्रा थीम्स, तो इसको अपने स्क्रीनशॉट इसका भी ले लें और इसको यहाँ पे हम इसको जाके नीचे इसको पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारी जो है वो एस्ट्रो थीम सक्सेसफुली अगर इंस्टॉल हो चुकी है। तो इस पर अपने इंस्टॉलर स्टार्टर टेम्पलेट पे क्लिक कर दें तो ये हमारी जो है वो एक्टिवेट करके हमारे अपने वेबसाइट पे इसको जो है वो सक्सेसफुली रन अप करके दे देगा। ठीक है व्यूअर्स, तो ये हमारी जो है वो थीम सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है। हमारा ये तीनों काम अपने टास्क हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये हमारे तीनों टास्क जो है वो कम्प्लीट सक्सेसफुली हमारे वर्डप्रेस भी इंस्टॉल हो गई, इंस्टॉलेशन हो गई, जैम भी हमने सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया और हमने इंस्टॉलेशन करने के बाद वर्डप्रेस पे हमने जाके थीम्स की इंस्टॉलेशंस करनी। होप सो यहाँ तक आपको सारी चीज़ें आपको थोड़ी सी समझ आ गई होंगी। इंशाल्लाह आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तो तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन के ऊपर लाजमी प्रेस करें ताकि हर आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।